गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी श्रीलंका के बंदर नायक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और एक नया दिन और जा रहे हैं हम नए देश में जो कि होगा मेरा कंट्री नंबर 40 मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जा रहे हैं और पीछे देख सकते हैं हमारे श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट लगभग रेडी है और बस कुछ ही क्षणों में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और फिर हम पहुंचने वाले हैं मलेशिया। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और हम पहुंच चुके हैं मलेशिया और मलेशिया एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था और इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इमिग्रेशन जब भी आप मलेशिया आते हैं वीज़ा फ्री तो है ही है बट एक फॉर्म फिल करना था इमिग्रेशन का ऑनलाइन, वो ज़रूर फिल कर लीजिए, उससे आपको ईजी रहेगा और बहुत ही आसान सा छोटा सा फॉर्म है, सिर्फ आपको अपना डिटेल भरना है उसमें, पासपोर्ट वगैरह और सब कुछ ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमने यहाँ से सेंट्रल के लिए एक ट्रेन ली है, क्लिया एक्सप्रेस चलती है और महंगी बहुत है। सेंट्रल तक की टिकट आई है हमारी दो जनों की 110 आरएम की, जो इनकी करेंसी है यानी कि $24 की आई है, $12 की एक टिकट पड़ी है। तो अभी हम जा रहे हैं शहर में तो आपको भी ले चलते हैं। ये है जो प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ से क्लिया सेंट्रल लेके जाएगी, केएल सेंट्रल लेके जाएगी हमें। तो गाइज ये है हमारी क्लिया एक्सप्रेस, बढ़िया सुंदर ट्रेन, सामान से रखी है, बैठ गए, खाली सी है, शायद बाहर बारिश हो रही है, शीशे पे पानी है, देखते हैं अभी बाहर। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं ट्रेन में जो कि हमें ले जाएगी सिटी में। खूबसूरत लगा शहर, अंदर घुसते ही मज़ा आया और ऐसा लगा कि हाँ वाकई एक जो है वेल मेंटेन्ड एयरपोर्ट था, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट था, वेलकम ड्रिंक के साथ स्वागत किया और सिटी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा डेवलप्ड सिटी है, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी लुच्चू से देश में आ गए हो, बट मलेशिया का जैसे एक्सपेक्टेड नहीं था, स्टिल ये अच्छा लगा मुझे, ये सब पूरा पता नहीं कैसे। तो गाइस ये जो सेंट्रल स्टेशन है बहुत ही बड़ा है और अब हम जा रहे हैं मोनो रेल पे, सेंट्रल स्टेशन तक आए हम ट्रेन पे क्लिया एक्सप्रेस से और अब हम जाएंगे मोनो रेल पे और मोनो रेल से फिर हम पहुंचेंगे अपने अपार्टमेंट में। काफ़ी बड़ा है एयरपोर्ट की तरह, ये भी बहुत बड़ा स्टेशन, यहाँ MRT भी है, मोनो रेल भी है, सब कुछ है। तो गाइस जो मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको इधर बहुत ही फेमस बुटीक बिंतांग और इसमें ये पैवेलियन है, बहुत ही अच्छा व्यू है ये हमारे कमरे से, देखिए पूल का व्यू है और पीछे सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। गाइस अभी मैं हूँ मलेशिया में और देखिए मलेशिया की इस गाड़ी के पीछे बजरंग बली की फोटो लगी हुई है, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, जय श्री राम। तो ये देखिए मलेशिया की सड़कों पर हमारे बजरंग बली। गाइस ये है जालन अलोर मुत्तिक बाल्यांतरण के नाम है जगह का और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरह के स्ट्रीट फूड के लिए भीड़ लगी पड़ी है, हर तरह के खाने ही खाने, चाहे वो क्रैब हो या देख सकते हैं कैसे क्रैब पड़े हुए हैं, क्रैब पड़े हुए हैं भुने हुए, कुछ भून रहे हैं क्रैब पे भून रहे हैं शायद, देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ आइसक्रीम भी है और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, ये देखिए सी फूड है रोड पे। तो ये है जालन अलोर, यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं और इंसान किंग पता नहीं क्या क्या है और सी फूड तो बहुत ही ज़्यादा है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत स्मेल है, भीड़ देखिए आप कैसे है, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा सी वीड और क्या क्या। बुकिक बिंतांग, हाँ याद आ गया मुझे, जालन अलोर बुतिक बिंतांग,
पुकित बिंतांग की ये मार्केट है और यहाँ केकड़े और जितने भी सी फूड सी वीड अब भीड़ ही भीड़ है, मेला लगा हुआ बिल्कुल यहाँ पर, बदबू भी बहुत है, स्मेल भी बहुत है भाई। पर हाँ, जिसको सी फूड पसंद है उसको या जो नॉनवेज खाता है उसके लिए ये बढ़िया है, अदरवाइज देखा जाए तो कुछ कह नहीं सकता मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज है हमारा दूसरा दिन मलेशिया का। अभी देखिए सो के उठे, रात थक गए थे काफ़ी, तो काफ़ी सोए हम, और अभी यहाँ पर सुबह के बज चुके हैं 11। अभी ब्रश व्रश और शेव वगैरह करके आ गए, ऊपर जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब जाके थोड़ी सी देर फन करेंगे स्विमिंग पूल में, उसके बाद शहर घूमने जाएंगे और प्लानिंग है बाथू केव घूमने की। राजकुमार जी, कैसा लगा आपको ये शहर? बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग था। कुआलालंपुर इज द बेस्ट प्लेस टू एंजॉय योर लाइफ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ शहर की सुंदरता के अलावा आपको जो फैसिलिटीज, जो एमिनिटीज और जो आसपास का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लाइटनिंग बहुत शानदार है। बुर्ज खलीफा आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त, स्काई स्क्रैपर एक से एक है। बुर्ज खलीफा के बाद जो हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर है वो है इनका पीएनबी टावर, यही है। तो उसके आसपास ही हमारा होटल था, बहुत मजा आया। तो अभी कल रात को भी दिखाया, अब जाते हैं ऊपर स्विमिंग पूल में और वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाते हैं शहर का। तो गाइज, ये है हमारे जो जहाँ हम रुके हैं अपार्टमेंट के 39th फ्लोर पे, और यहाँ से देखिए सिटी का दिन में नज़ारा। ये सामने टावर्स, और ये देखिए 37वें माले पे हमारा पूल, और देखिए इन्होंने 37वें माले पे स्काई गार्डन बना दिया, पेड़ लगा दिए, मतलब 39th फ्लोर पे। ये देखो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ये देखो 39 फ्लोर पे 40वें माले पे ये बड़े बड़े अलग जंगल बना दिया यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये नहीं कि आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल है। और यहाँ से भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ शहर का, देखिए कितना खूबसूरत दिखता है यहाँ पर। ये बैंक की बिल्डिंग है, और ये जो सामने देख रहे हैं दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है दुनिया की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये सारा का सारा जो अपना पेड़ पौधे जंगल देख रहे हैं ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ये 39th फ्लोर पे है सारे ओरिजिनल। बहुत अच्छा बना रखा है, स्काई गार्डन है इसको, स्काई गार्डन बोलते हैं। और खूबसूरत नज़ारा दिन का, जिम, और इधर योगा रूम है, जिम है, इधर योगा रूम। जिम का निचला पोर्शन जहाँ पर ट्रेडमिल्स और सब कुछ पड़ा है, देखिए सुबह का नज़ारा, शाम को भी दिखाया था आपको, ये है सुबह का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू। राजकुमार भाई नहाने की तैयारी में, गाइस अभी हम हैं रेडी बिल्कुल जाने के लिए, और हम जा रहे हैं के निकले भाई बंधन के बाथू केस, शेव शू कर लिए, बंदों का क्या बंधा और क्या ठन्ना, शेव करी तो हो गया बंधन, हमने कौन सा मेकअप करना होता है। बाकी कमरे से निकलने का मन नहीं कर रहा था, इतना मजा आ रहा था वहाँ ना, वहाँ पूल में नहाने का, और ये दिल कर रहा था कि जिम में बैठे रहो, शाम को करेंगे जिम विम। तो और अभी हम निकल रहे हैं बाथू केव्स के लिए, और बाथू केव्स के लिए हमने मंगाई है ग्रैब की टैक्सी, क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम पैदल चल के कहीं मोनोरेल स्टेशन तक जाते हैं, वहां से सेंट्रल स्टेशन जाते तो हमारा जो है तेल निकल जाता, पसीना तो बाद में निकलता, तेल निकल जाता। तो अभी हम चल पड़े हैं बाथू केव्स के लिए। हाउ फार बाथू केव्स, हाउ मच ऑफ टाइम इट्स, क्या हो फाइन, इट्स 24 मिनट्स, यस 24, ओके फाइन। तो गाइस ये है बाथू केव्स का एंट्रेंस, और यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस फीस नहीं है, और सुबह 5:45 से रात को 9 बजे तक ये खुला रहता है। तो ये दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर है मुर्गन, इंडियन जो तमिल के जो देवता हैं, भगवान हैं मुर्गन, उनकी शायद दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है ये मुर्गन की। और इंडिया के बाहर इंडिया का सबसे बड़ा कोई जो टेंपल ये माना जाता है, और ये पूरी रॉक पीछे आप देख रहे हैं। अभी हमें खूब सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, लगभग 200 कुछ सीढ़ियाँ हैं चढ़ के, फिर हम जाएंगे आगे केव्स में। तो ये है बाथू केव की एंट्रेंस। तो ये देखिए सामने कितना अच्छा सा मंदिर बनाया हुआ है, और सामने देखिए
जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बाहर के देश में हिंदू देवी देवताओं को देख के बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए कार्तिकेय का वाहन, इतनी बड़ी यहाँ पर जटायु की मूर्ति है। और गाइस ये है बाहर प्रसाद की दुकानें, और जो भी मैं आपको फेमस जो यहाँ की मूर्ति दिखाने वाला हूँ बाटू केव्स की, वो है भगवान मुर्गन की मूर्ति, जिसको कहीं ना कहीं भगवान शिव के जो बड़े बेटे हैं कार्तिकेय, उनको भी माना गया। और किसी भी हिंदू देवता का ये बहुत आउट ऑफ कंट्री बहुत बड़ा स्टैचू है, शायद सबसे बड़ा स्टैचू ना हो। ये जो सामने देख रहे हैं ये भगवान मुर्गन, तमिल के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको प्रेयर करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है बाटू केव्स। ये है बाटू केव्स। ये सामने जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और इसके बाद ऊपर जो है केव्स हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर केव्स हैं, वहाँ आप केव देखना जा सकते हैं। अभी हम बाटू केव से वापस आ गए हैं, और सामने आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़े सेकंड सबसे बड़ा टावर है। और इधर आपको दिखाता हूँ मैं वो ट्विन टावर, जिसको हम एक साइड से देख रहे थे कल से, पेट्रोनिस ट्विन टावर। आप स्क्रीन में देख सकते हैं तीनों मेन टावर यहाँ के एक साथ। टावर है सबसे दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा, केएल टावर, और आगे पेट्रोनिस टावर। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर है जिसको सूर्या केएलसीसी बोलते हैं, सूर्या केएलसीसी। अभी हम अंदर जाने वाले हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कभी होती थी उसके नीचे ही है बिल्कुल। तो दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं सूर्या शॉपिंग मॉल में, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। तो क्या गाइस, दिल थाम के बैठ जाइए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेट्रोनिस टावर का जो मेन व्यू है, देख सकते हैं आप। इसको पूरा लेने के लिए एंगल बदलना पड़ेगा। तो ये ट्विन टावर हैं, और बीच में जो है स्काई वॉक है इसके दोनों के बीच में, जो दोनों टावर्स को जोड़ता है, ये देख सकते हैं आप। मैंने जैसे पहले बताया, ये 1998 से लेके 2004 तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, सबसे ऊंचा टावर था ट्विन टावर। इसको केएलसीसी ट्विन टावर भी बोलते हैं, पेट्रोनिस ट्विन टावर भी बोलते हैं। और सिटी के सेंटर में ही है ये, और बहुत ही बेहद खूबसूरत बिल्डिंग है। और इसके आसपास भी देखिए कितनी खूबसूरत और बड़ी बड़ी बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। इसके बिल्कुल सामने फुवारा है, देख सकते हैं फुवारा चल रहा है, और पीछे और भी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर चारों तरफ। और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग वर्ल्ड की थी कभी, उसके बाद ताइपाई 101 बनी, फिर 2019 तक ये मलेशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी 2019 तक। बाद में यहाँ पर एक द एक्सचेंज 101 बनी जो 101 मंजिल है, ये 88 मंजिल थी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक और बिल्डिंग बनी जिसमें 118 मंजिल है। तो अब ये काफ़ी छोटी रह गई, लेकिन किसी समय ये दुनिया की सबसे ऊंची सबसे खूबसूरत ट्विन टावर था, और अभी भी बहुत खूबसूरत है। तो गाइस शाम के टाइम पर हम निकले अपने रूम से, और ये आ गए हैं हम चाइना टाउन में। ये देख सकते हैं अब चाइना टाउन होटल, और इसके पीछे जो बिल्डिंग है वही है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग, आप देख सकते हैं इसके पीछे जो बिल्डिंग है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और ये है चाइना टाउन, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई है, इसी गली में घुसते हैं और देखते हैं। तो हमने ट्रैफिक की सिग्नल्स की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और सड़क के बीचों में भाग भाग के पहुँच गए हम चाइना टाउन। यहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग मुझे लगता है, और आगे खाने का होगा, ये पूरे का पूरा ही चाइनीज चीज़ है। सुना है यहाँ पर फेक ज़्यादा मिलते हैं प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं, और बार्गेनिंग काफ़ी होती है, जैसे हमारे वहाँ चाइना बाज़ार होते हैं उसी टाइप का लग रहा है। तो ये देखिए ऊपर लाइट्स हैं, ये है चाइना टाउन। और जैसे जैसे रात बढ़ेगी मुझे लगता है वैसे वैसे यहाँ पर रौनक भी बढ़ जाएगी। वो परफ्यूम्स भी हैं, सारा कुछ है भाई, ये तो चोर बाज़ार टाइप का लग रहा है। तो ये चाइना बाज़ार क्या है, एक तरह से चोर बाज़ार है, डुप्लीकेट चीज़ें सारी, नकली माल
सब कॉपीज, बहुत बड़ी मजा आ रहा है, बट सब कॉपीज लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम अभी जो है सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हम निकले हैं नरिता एयरपोर्ट के लिए, और आज हम जाने वाले हैं एक नए देश में, और वो नया देश जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था हमें, वो है जापान, और जापान में हम जाने वाले हैं टोक्यो। तो अभी हम सुबह सुबह रेडी होकर निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए, दोपहर की फ्लाइट है और आज रात को हम पहुंच जाएंगे टोक्यो जापान। तो उम्मीद करता हूँ मलेशिया जैसे हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप मलेशिया को अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, आपको यहाँ पर आना, यहाँ पर रहना, खाना, घूमना बहुत चीपर लगेगा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।